अस्सलाम वालेकुम जी। आज जुलाई 20 है, ईद का दिन है और मैंने 9:30 बजे की नमाज़ के लिए अपने आप को रजिस्टर किया है, तो मैं ईद की नमाज़ पढ़ने जाऊंगा। और आज मैंने छुट्टी ली हुई है, वैसे तो वर्किंग डे है लेकिन ईद की वजह से मैंने आज छुट्टी की हुई है। तो 9:30 बजे ईद की नमाज़ के लिए जाएंगे और उसके बाद प्लान ये है कि दोपहर को मैं अपने एक दोस्त के घर जाऊंगा, उसने दोपहर के खाने पे इनवाइट किया है। फिर शाम में हम लोग नमाज़ भाई की तरफ जाएंगे उनसे ईद मिलने के लिए, और फिर उसके बाद हम लोग ब्रैम्पटन जाएंगे जहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ रहती है, तो रात का खाना फिर हम लोग वहाँ खाएंगे। तो इस तरह से ईद का दिन हम स्पेंड करेंगे। और कल वर्किंग डे है तो नेचुरली फिर जल्दी आ जाना पड़ेगा, और ये कि कल की जॉब के लिए फिर अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। वैसे तो घर से काम कर रहा हूँ लेकिन फिर भी सुबह मीटिंग्स होती हैं, ईमेल्स वगैरह आती रहती हैं, तो उनको एंटरटेन करना पड़ता है। तो आए ईद की नमाज़ के लिए चलते हैं, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। ईद की नमाज़ के लिए आया हूँ, जगह मिल पता चल गई है। एक्चुअली मैं समझा कि लॉयंस अरीना में अंदर बिल्डिंग में होगा लेकिन पता चला यहाँ पे मैदान में है, तो बस पहुंच गया हूँ। रश थोड़ा कम है क्योंकि इन्होंने 6 नमाज़ें रखी हैं। अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल, ईद मुबारक जी, ईद मुबारक। अजी की नमाज हो गई है, ये कि ये दूसरी नमाज के लिए लोग आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 4 नमाज़ों का इंतजाम किया था। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी, ईद मुबारक। क्या हाल है? आप भी इसी नमाज में थे? नहीं, हमने इंतजार में थे। ओ, अच्छा आपकी सेकंड है जी, 10 o'clock। ओ आई सी, मैं उधर गया पहले, मैं समझा वहाँ अंदर होगी, मैं सोचा वो पीछे जो है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वहाँ होगी। हाँ नहीं नहीं, फिर आपने बताया तो अच्छा, मैं आ गया। वन मैं आपको फ़ोन नहीं करता, मैं घूमता रहता। हाँ मम्मी को इंट्रोड्यूस करूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। मामी निशाद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आपको। तो आप लोग सब ईद के लिए चले, फिर आप लोग इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, ईद की नमाज़ पढ़ ली है। एक्चुअली यहाँ पे लॉयंस अरीना में इन्होंने 4 या 5 नमाज का इंतज़ाम किया था, और उसमें भी ये कि ऐसा नहीं है कि आप आएँ और नमाज़ पढ़ लें, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, और रजिस्ट्रेशन करवा के अगर आपका नाम रजिस्टर्ड है तब आप ईद की नमाज़ के लिए आ सकते हैं, वरना नहीं। बेसिकली कोविड की वजह से सारी प्रॉब्लम हुई हुई है, वरना तो ये कि इससे पहले जो थी। हाँ जी, ईद की नमाज़ पढ़ ली है, ये कि अब घर जाते हैं। और एक्चुअली रास्ते से कुछ ऐसे खाने का ले लेते हैं ताकि नाश्ते में खा सकें। वैसे तो बेगम मेरी नाश्ता बनाती है लेकिन उसने आज ये कहा था कि बाहर से इंग्लिश मॉफिन ले आना, तो ये कि उसने फरमाइश की, उसको पसंद भी बहुत है तो वो लेते हैं।
ईद का मैं आपको बता दूँ, ये कोविड की वजह से सारी सिचुएशन हुई है कि अलाउ नहीं है कि आप बड़ी गैदरिंग कर सकते हैं। ये एहतमाम किया है यहाँ पे 4 या 6 I think 5 नमाजें हैं सुबह तकरीबन 8 बजे से, और इसके बाद मैं 9:30 वाली हुई नमाज में आया था, और ये कि अब दूसरी नमाज होगी उसके लिए लोग भी आए हुए। इसके अलावा दूसरी जगहों पे भी लोगों ने एहतमाम किए हैं ईद की नमाज के लिए। ये सब क्योंकि बड़ी गैदरिंग नहीं कर सकते हम लोग, गवर्नमेंट की अपनी रिस्ट्रिक्शन है, इस वजह से ये हम लोग ने लोगों ने छोटी छोटी गैदरिंग्स की हैं। तो उसके लिए पहले आप रजिस्टर करते हैं ईद की नमाज़ के लिए कि किस टाइम पे आप ईद की नमाज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो फिर उस टाइम पे फिर आप आके नमाज़ पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि आप किसी और टाइम पे आके नमाज़ पढ़ लें। कोविड से पहले काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा का अहतमाम होता था और बड़ी गैदरिंग होती थी नमाज में, काफ़ी लोग होते थे, बड़ी गहमा गहमी होती थी, लेकिन ये कि पिछले 3 ईदों से ये सिलसिला चल रहा है, बल्कि 2 ईदें तो ऐसी हुई कि हमने घर में ईद में नमाज़ पढ़ी, गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन थी कि कोई सोशल गैदरिंग नहीं होगी, लेकिन ये कि इस बार अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट की है, लेकिन उसमें भी ये है कि आप बड़ी गैदरिंग इनडोर नहीं कर सकते, तो इस वजह से इन्होंने आउटडोर में ईद की नमाज़ की है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ ली है, तो चलें अब घर चलते हैं। और ये कि आज का प्लान कुछ इस तरह से है कि दोपहर में एक दोस्त है उसने इनवाइट किया हुआ है, फिर शाम में हम लोग नवाज भाई के घर जाएंगे, और रात में जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ जो ब्रैम्पटन में रहती हैं इशरत, उनके तरफ जाएंगे। तो आए चलें आज का दिन शुरू करते हैं, और ये कि आज ईद का पहला दिन है, बेसिकली यहाँ पर ईद का पहला दिन ही ईद होता है, ईद का दूसरा दिन जो है अगर वर्किंग डे है तो फिर वर्किंग डे होता है, ईद नहीं होती। तो मैंने आज छुट्टी ली हुई थी, बल्कि तो ये कि आज ईद मनाते हैं और देखें कि आज मतलब सारा दिन में क्या एक्टिविटी होती है। तो इंशाल्लाह फिर शुरू करते हैं आज का दिन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मैं इंग्लिश मॉफिन लेने के लिए इस वक्त मॉडर्न्स में आया हूँ, और ड्राइव थ्रू में आप देखें काफ़ी रश है, और हर कोई जो है वो सुबह का नाश्ते के लिए वो टिम हॉर्टन्स आया हुआ है। हम लोग अमूमन इतना नहीं खाते हैं, लेकिन ये कि आज ऐसे निकट ने कहा कि लेकर आना, उसे काफ़ी पसंद है तो वो लेते हैं। अब देखें ड्राइव थ्रू में कब आती है हमारी बारी। खैर चल तो रही है गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता, तो अब देखें। Yeah, I need 2 egg and cheese muffin, please. Yeah. Anything else for you? No, that's all. It's 9:24. Excuse me? There are 2 egg and cheese muffins on, right? Yeah. It's 9:24 altogether. Okay, thanks. तो ये इसका शोर है, घास काट रहा है एक्चुअली। भाई मैं कहूँ इतना शोर की आवाज़ कहाँ से आ रही है? I have 2 egg and cheese muffin. 2 egg and cheese muffin, not yeah. Croissant? No. Okay. I need a muffin, not croissant. Muffin. Okay. $7.90. All right.
ये भी निकल के थैंक्स अ लॉट सर. ओके थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अपने भाई के घर आ गया हूँ ईद मिलने के लिए. तो यहाँ से फिर ईद मिलने के बाद जो है हम लोग मैं अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ जाऊँगा ब्रैम्पटन. तो आए नमाज़ भाई से ईद मिलते हैं और फिर यहाँ से निकल के ब्रैम्पटन जाते हैं. बेल चढ़ दिए. अस्सलाम वालेकुम. YouTube का चस्का लग गया भाई. अरे भाई तो क्या परवेज भाई ने खास तौर पे कहा है कि बना के डालो. अच्छा ये ले. ठीक है ये वही भाई. अच्छा नहीं अब देखो इस YouTube के चक्कर में ना गले मिलते हैं ना कुछ. अरे तो गले मिलना है. हाँ ना क्यों नहीं मिलना. नहीं वो तो कह रहे हैं मना किया ना. कोई नहीं मना किया. सारे काम हो रहे हैं गले नहीं मिले बस. गले काफिर है ना साजिश है. ये यहूदियों का है. ये कुछ यहूदियों की साजिश है. अरे मामू आए हैं. मामू अस्सलाम वालेकुम. ईद मुबारक. ईद मुबारक. ओह मामू तो आजकल हीरो बने रहते हैं घर में भी यार. ईद मुबारक. ईद मुबारक. मामू क्या खा रहे हो यार. नट्स खा रहे हो यार. नहीं नट्स नहीं खाने मुझे. अरे मैं इधर बैठा हूँ ना. ये वही मामू है जो कि हमारे साथ कॉटेज में नहीं गए. मामू का बड़ा जिक्र हुआ हर जगह. सबने बड़ा मिस किया. लेकिन ये कि आप तो हीरो बन गए हैं सर. बड़े जतन के अंदर. क्या ये देखें जनाब इनकी आंख में बेचारे की पता नहीं कौन सा किसी का बाल है. बाल तो था पहले. अच्छा वो निकाल दिया. अच्छा सही. आप ही आगे भी. आप ही ओहो हो. मैं इसके साथ रहूँगा. बाल हो ना हेड पे बनेगा. बाकी मैं नहीं आ सकूँगा. मुझे फिर हेड से उतारना पड़ेगा. अरे तुम्हें दे दूंगा यार. तुम्हें दे दूंगा. शेयर कर लेंगे. बढ़ाओ ना. आई थिंक 1000 पे. 1000 सब्सक्राइबर पे और 5000 व्यूज पे. तो हर घर से 5-5 व्यूज दे लो. सब बच्चे अलग अलग. तो आपने शेव नहीं किया आज. शेव इंशाल्लाह कल कुर्बानी होगी. अच्छा उसके बाद. सही सही सही. परसों इंशाल्लाह जाके बाल और कटाऊंगा. मुझे बड़ी विजन होगी. बाल तो अच्छे लग रहे हैं यार आपके. हीरो स्टाइल पे क्या चाहिए और क्या चाहिए. मामू तो ऐसे बाल रखने के चक्कर में पता नहीं कितने जतन किए हैं. है मामू. सलवा सलवा. अरे डरो नहीं यार. है ये तो डर के अंदर चला गया. आ जा बेटा बाहर. ओ मैन बच्चों के साथ तो खेल रही थी. ये इनका तोता है जी. सलवा अफ्रीकन ग्रे पैरट. अस्सलाम वालेकुम आंटी. वालेकुम. ईद मुबारक. खैर मुबारक. कैसी तबीयत है आपकी. बना रहे. हाँ मैं बना रहा हूँ ताकि वहाँ पाकिस्तान में सब लोग देखें ना. जी जी जी. सही सही सही. बहुत अच्छी बात. हाँ तो कैसी तबीयत है आपकी. मेरी तबीयत तो सही है बस यही है. नहीं नहीं इंशाल्लाह सही हो जाएंगी आप बिल्कुल. तो अंकल वॉशरूम गए. वालेकुम अस्सलाम. या ईद मुबारक. ईद मुबारक. सही सही सही. बहुत अच्छी वीडियो बनाई है आपने. यस इट्स रियली गुड. आई लाइक इट. सारी इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन सारी चीजें सब. आपने देखा मजा आया.
नेक्स्ट टाइम आप चलेंगी और ट्यूब में बैठेंगी. सही सही सही. अरे शौक तो आदि को बहुत है, टांगे चल रहे थे जब. नहीं नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी. इंशाल्लाह करता हूं तो चलेंगी. हां नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह सही हो जाएंगी आप. इन लोगों ने भी बहुत मजे किए. अस्सलाम वालेकुम. हम लोग नवाज भाई के घर में और ये हैप्पीली कपल जो है ये ईद का मैसेज रिकॉर्ड कराएंगे. चले जी ईद का मैसेज रिकॉर्ड. सबसे पहले तो ये बताओ कि किसके लिए है मैसेज. सबके लिए. चले जनाब, हमारी तरफ से जो जो जहाँ जहाँ है सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, चाहे वो यूएई में हो या पाकिस्तान में हो, जहाँ कहीं भी हो, हमारी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक. और हमारी दुआ है कि आप लोग भी इस ईद को एंजॉय करें और हर परेशानी और फिक्र से आज़ाद करें. अल्लाह मियां आप लोगों को तंदुरुस्ती अता फरमाए, हर बीमारी से महफूज रखे. और इंशाल्लाह इसी तरह आप लोग भी अपने मैसेज वगैरह भेजें, फोटोज़ वगैरह भेजा करें. अबे मैसेज रिकॉर्ड, ये तो भाषण देने लगे. इंशाल्लाह फिर यूट्यूब पे आप लोगों से मुलाकात होगी. इन्होंने इतना बोल दिया, बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत ईद मुबारक. हम सब बहुत बहुत ईद मुबारक सबको. आप भी अपने घर वालों को बोल दो यार कम से कम. अरे घर वाले सारे यहाँ YouTube में तो देख सकते हैं आपके घर वाले, वहाँ पे आपके भी तो हैं. अभी हम हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से सब लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद, और बच्चों की तरफ से भी और अपनी भी तस्वीर या वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजें ताकि हम भी देखें. अम्मी अब्बू का बता दें तबीयत कैसी है. अम्मी अब्बू ठीक ठाक है माशाल्लाह, सब ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं. आंटी की तो बनाई है मैंने थोड़ी सी. अम्मी की बनाई है? हाँ, अंकल वॉशरूम गए हुए थे. अच्छा चलो, बाकी सब खैरियत. चले जी, चले जी, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह लोग अपना ख्याल रखें बहुत बहुत. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी. इंशाल्लाह हमारे लिए दुआएं किया करें, अपने दुआओं में हमें शामिल करें. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अपनी असिस्टेंट लॉ के घर आ गया हूँ ब्रैम्पटन में. और ये कि मौसम अचानक चेंज हो गया, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि यहाँ के वेदर का कुछ पता नहीं चलता. सुबह में धूप निकली भी थी, थोड़ी गर्मी भी थी, अराउंड 27-28. लेकिन इस वक्त आप वेदर देखें, तो वेदर अचानक बिल्कुल चेंज हो गया है. बारिश हो रही है और ठंड भी नहीं है बिल्कुल. तो आए चले अंदर चलते हैं इनसे ईद मिलने के लिए. तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है. अस्सलाम वालेकुम. क्या है यार, ईद मुबारक. ओए भाई इतनी जोर का टक्कर मारा यार, आदमी है क्या. ये दे दो दे दो. ओ लुक एट दिस, लुक एट दिस. हमारी असिस्टेंट लॉ जो है वो बड़ा एहतमाम करती हैं ईद में, स्नैक्स और खाने और सारी चीज़ें. वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने क्या क्या तकरीब तक इस इवेंट के लिए क्या क्या प्रिपेयर किया है. आइए. अरे बाल कट गए, गुड गुड. इस बंदे के बाल कट गए भाई. कोविड के कितने साल बाद बाल कटाए. वालेकुम अस्सलाम. ये मेरी सिस्टर लॉ है, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने बनाई हैं. और अभी इसके अलावा भी बहुत सारी. ये बिस्मा है, क्या हाल है बिस्मा. सही सही यार, ये तो यार ये सब खा लेंगे तो फिर मैं खा लो, थोड़ा बहुत खा लो, खाना खा लेना. अब खाना भी खाना है. खाना अभी तो लोग आएंगे ना. आए कहाँ, कौन आया, किसको आना है. तो जनाब ये सैंडविच है राइट. आप बताएं ये क्या है. ये सैंडविच है. ये क्या है. अच्छा और ये सिर्फ स्नैक्स है राइट.
मेन मेन्यू बाकी है अभी, अभी तो सिर्फ ये आपको ऐसे ही है तफरी के लिए बच्चे। एपेटाइजर यार, एपेटाइजर खा लेंगे फिर खाना कैसे खाएंगे? बोल दिया ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई आप लोगों को, आपको भी ईद मुबारक। सही सही सही, किससे बात कर रहे हैं? हाँ। पाकिस्तान में सब देख रहे हैं आपको। ओह अच्छा, ईद मुबारक। कोई मसला नहीं, ये देखें हमारी यूट्यूबर जो है ना, ये सबकी वीडियो तस्वीरें बना, ये देखें देखें स्टाइल देखें आप, खत्म हो जाता है यहाँ स्टाइल, यहाँ पे खत्म हो जाता है। आप नौशाद, क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? नौशाद मोहम्मद। नौशाद मोहम्मद के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और मैं अपना लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगी, मुझे भी सब्सक्राइब करो। मेरा भी तो कुछ सही है ना, किसी ने किया क्या हो रहा है यार? ओए होए 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 होए, आप तो छा गए सर, वेरी गुड। अरे वाह, इतने ये वाला ये सईद, सईद भाई जो है हमारे ईद के मौके पे स्पेशल बारबेक्यू कर रहे हैं। हैं मेरी तो तस्वीर आ नहीं रही है यार, ये देख। आ भाई सर, वो आपका दूध ले आया हूँ मैं। मेरा कौन सा दूध? वो जो पिछले, अच्छा अच्छा, क्या यार वो कौन बेच रहा है वो दूध यार? ये जनाब व्लॉग बना रहे हैं आजकल, मैं लईक को भेजूंगा, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप दिखती नहीं है। मैं दिखती नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है अर्श साहब? मजे में, ईद मुबारक, ईद मुबारक। भैया छोड़ देना भात, कोई नहीं गिरा, कोई नहीं, अगर आवाज़ नहीं आई किसी बच्चे की तो समझ रहे कुछ नहीं हुआ। भट्टी साहब आप गायब कहाँ हैं? आप हमारे घर तो आती नहीं, ब्रैम्पटन आ गए इतनी दूर, हमारे घर नहीं आई, कितनी दफा बुलाया आपको यार? ऐसे ना बोले निगत, तुमने ऐसे नहीं बुलाया, आपसे बात करी यार। मैं तो बुलाता नहीं हूँ, मैं तो, आपने मुझे कब बुलाया? मैं तो किसी को नहीं बुलाता, लोग खुद ही आ जाते हैं। आप ऐसे हैं क्या कहते हैं, बेवफा इंसान है। आपने मुझे फोन करके नहीं पूछा कि सवेरा तुम जिंदा हो या मर गई? ओ यार मैं क्या आपको फोन करूं? नहीं 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 नहीं, सब रिकॉर्ड हो रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है, ये बेवफाई नहीं है, रिकॉर्ड में होना चाहिए ये। क्या यार यार यार, आपने मुझे फोन करके नहीं पूछा? मैं बेवफा नहीं हूँ, बिल्कुल है यार, बिग टाइम बेवफा है यार। अर्श मैं बेवफा हूँ यार? नहीं इधर बता, इधर देख, उधर क्या देख, उसको तो ठीक है, उसको नहीं पता, मैं नहीं हूँ, मैं बेवफा नहीं हूँ, बिल्कुल है आप, और ये नहीं, बिग टाइम बेवफा है। अरे नाराज हूँ आपसे, मुझे पूछा भी नहीं, मैंने कई दफा आपको पूछा यार, आपने मुझे एक दफा भी नहीं पूछा। मैंने निगर से पूछा था, दो निगर से पूछा था यार, पता करो सवेरा भट्टी क्या कर रही है। आपने मुझे नहीं पूछा, चले आप आज हमारे घर चले, क्यों किस खुशी में चले आप मेरे घर चले? मैं नाराज हूँ तो मेरे घर चले? नहीं हम तो आए थे आपके घर, आप नहीं आई बहुत दिन से, आप तो चुप हो जाओ, चुप रहे, आप कब आए मेरे घर? आया था कब यार, ईद से पहले आया था। आप मेरे घर में आए थे आई थिंक सर्दियों में लास्ट, यार अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, मार्च में आए थे। नहीं नहीं नहीं, मार्च में आए थे आप, 5-6 दिन बाद आपकी एनिवर्सरी थी। अच्छा, हाँ तो अब नेक्स्ट एनिवर्सरी तो आने में, शायद मेरे ख्याल से कोविड वोविड का भी चक्कर था, वैक्सीन वगैरह थी, नहीं आना सकते थे। बात सुनो, फाइल मत लो, सही कह रहा है ये बच्चा, याद नहीं, ये बच्चा बिल्कुल सही, ये सही कह रहा है, कोविड कोविड की वजह से नहीं, कौन बहन भाई, क्यों तुम भाई, तुम, मैं कोई भाई भाई नहीं हूँ। ये जी आप ये ना समझे कि ये ईद की वजह से गाने गा रहे हैं, दरअसल इसमें हमारे यहाँ इनके घर में एक बच्ची की शादी होने वाली है, उस वजह से ये लोग गाने वगैरह गा रहे हैं, तो आप लोग ये ना समझेगा ये ईद के इवेंट में ये गाने गा रहे हैं, तो आए हम देखते हैं कि ये लोग क्या करेंगे। लोग परेशान होंगे कि ईद में गाने गा रहे हैं, yeah।
ये देखें जी, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी सिस्टर इन लॉ जो है बड़ी मेहनत करती है और खाने का बड़ा एहतमाम किया है इसने ईद के वजह से। अरे यार इसमें क्या, हाँ नान, अब क्या रह गया, पाई भी बनाए, ओ माय गॉड। खा लो बच्चे, खा लो। तो जनाब ये सारे खाने जो हैं वो ईद के सिलसिले में इशरत ने बनाए और ये कि बड़ी मेहनत की है, तो ये हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा इस खाने के साथ, कोशिश पूरी होगी। सर क्या हाल है आपके, मज़े में, कहाँ हो आजकल? बस काम कर रहा हूँ। शादी वाली मूवी में नहीं आता था कैमरा, आप क्या करती तो गली वो बेटी साहब, आपने क्या खाया? शादी में पाए नहीं खाए, पाए नहीं खाती, पाए खाएगा अब छोटे पाए में होता है क्या है यार, बाल बाल लगते हैं नहीं वो हमारे घर में मम्मी और पप्पू खाला जो बनाती है धो धो के उसकी माँ मार देती है सारे बाल बाल खत्म हो गया सब खाना यार, मीठा आने में मैं मीठे का इंसान हूँ, मीठा है ना वहाँ पे, वो खाए मीठा है वहाँ पर, वो यार मुझे पता ही नहीं, वो है सवैया भी है यार, सवैया, ओहो ये जी मीठा आ गया यार, ये तो कुल्फी लग रही है मुझे है, और ये शीर खुरमा है और ये मिठाई है और हलवा है और ये सवैयों का जरदा है, सवैयों का जरदा, सवैयों का जरदा भी होता है, हाँ खोया पड़ा होता है ना इसमें, ओह अच्छा खोया पड़ा होता है, ये दही बड़े हैं, खा खा के जी बुरा हाल हो गया है जी, क्या खत्म हो चुकी होती है नहीं बताया, काम की बातें नहीं बताता, कमेंट किया तो कैसे नहीं देखा उसने, सब्सक्राइब करेगा उसको $500 मैं कर दूंगी आपको, अनलिमिटेड टाइम सब्सक्राइब है, अंबर के साथ कौन सीधा बैठ सकता है अबे यार अंबर ये कैसा, ये देखें जी अंबर, दो यूट्यूबर बैठे हैं इस वक्त जी, बहुत सीरियस डिस्कशन हो रही है कि हमें सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाने हैं, रिश्वत देना पड़ेगा, पाकिस्तानी आवाम ऐसे तो सब्सक्राइब करेगी नहीं, ओ यार वो मिले 500 दिमाग का दही बनाने के बाद $500 मिल जाते हैं, ये मेरी बहन लगी हुई बेचारी काम में खिलाने में और फिर बांटने में, खुशी इतनी शदीद होती है ना, मेरी तो हो गई भी वजह, मैं तो लेटी हुई हूँ, सब नहीं लाइट देख के खुश हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ब्राइट इसी का ही आ रहा है लाइट के बाद, लटकी हुई हूँ मैं बिल्कुल टोटली बस कर जाए, ये स्पेशल लाइट के लिए हमने बनाई है, लाइट गरीब ऐसी देख के खुश हो रहे हो, कहेगा बॉर्डर खुल रहा है हमारा भी जल्दी बॉर्डर खुले और हम जाएं इंशाल्लाह ताला, गर्मी नहीं लग रही यहाँ पे,
खिलाना फिर पिलाना फिर बांटना भी लग रही है भी बनाना मुझे आपको नजदीक जाओ ना आप नमाज पढ़ने तो गए होंगे आपको मैं गया था कोई गर्मी नहीं थी बल्कि मैंने तो बाहर पढ़ी है यार नौशाद भाई कोई गर्मी तो नहीं नहीं थी आप ऐसी गर्मी नहीं थी कि आपके वो सबके डब्बे बन रहे हैं नहीं सब चीजें माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हारे यहां पे बोल करता रखा था वो मैंने वहां ले जाके रखा तुमने वो थाली में नहीं डाला अच्छा छोटा जो सही बता दो भूल गई चले बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह नौशाद की एक बहन थे नौशाद और नौशाद की दूसरी बहन इनको शिकायत बेवफा का खिताब दे दिया और आपको कोई शिकायत नहीं है चलो और आपको बहनों से क्या शिकायत करके तो देंगे मैं तो कह रहा हूँ भाई हमारे गल हमारा जो हिंटन टेरेस है ना उसके दूसरी तरफ हमारा वाला मॉडल आ रहा है सिर्फ भी आपने कितने का लिया था खोलने वाला 970 यार तो सादेगा तुम लोग का घर पर अच्छा दिखेगा अभी तो इतनी अच्छी प्राइस है आ जाए लेक का नंबर हर बात पे कहते हैं लेक का नंबर मिला के तो भाई मैं क्या करूं जब सीधी मेरी चली जाती है आप कहें मुझे मिल्टन जाना है दैट्स इट अच्छा आई की पैकिंग चली रही है हैं ऐसे ही बस हो गया ना चले भाई नमाज पढ़ने और आराम ये मुबारक कह रहा मतलब नहीं सही से बैठो ना सही से लाउडली लाउडली से ईद मुबारक एवरीवन तो भागे वजू करके तो जमात कौन करा रहे हैं अच्छा 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 सही से चलो बस हम भी आ रहे हैं चलो निशाद आ जाओ नमाज पढ़ने आ जाओ चलो भाई हाँ जी डिनर ख़त्म हो गया है सब जा रहे हैं सामान उठा के और ये कि ईद का दिन खैरियत से हम लोग का ख़त्म हो गया है अब ये कि कल से वर्किंग डे तो इंशाल्लाह और किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा तो ये देखें सब वापस जा रहे हैं जा रहे हो भाई गुड गुड ये क्या है बहुत तेरी तो मैंने जो बोला है ना बस उससे टाइम रहेंगी फिर मंगाएंगे हम खुद ले आएंगे पेपर प्लेट के साथ पिज्जा मंगाएंगे बोला पेपर प्लेट भी चाहिए गुड ओके बेटा अपना ख्याल रखना चाबी तुम्हारे बैग में होगी खाना बहुत अच्छा था बहुत मज़ा आया बहुत अच्छा खाना किया स्नैक्स यार हेयर स्टाइल तुम वापस वाला ले आओ नहीं मुझे तो इसका अच्छा लगा नहीं नहीं वो ज्यादा अच्छा था लंबा वाला हाँ अच्छा मुझे तो ये अच्छा लगा नहीं इसके बाल ऐसे अच्छे घने माशाल्लाह ओके जी अल्लाह हाफिज अरे यार ये सारे मुझे लेके जाना क्या चीज सलाम कह देना अस्सलाम वालेकुम जी आज ईद का दिन जो था वो गुजर गया है और ये कि कोविड की वजह से वैसी ईद तो नहीं हो सकी जैसी अमूमन होती है यहाँ पर लेकिन ये कि नस्बतन पिछली तीन ईदों से बेहतर थी क्योंकि पिछले तीन ईदों में जो है लॉकडाउन था आप किसी से मिलने नहीं जा सकते थे आप घर में रहते हैं रहना था और ईद की नमाज भी घर में पढ़नी थी लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन हटा दी थी तो ईद की नमाज़ पढ़ने भी गए और लोगों से मिलने भी गए तो अल्लाह का शुक्र है ईद की ईद ख़त्म हो गया और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो ईद आएगी वो इससे बेहतर और इससे ज़्यादा एक्साइटिंग होगी तो मेरी तरफ़ से और मेरी वाइफ की तरफ से जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं यूएई में हैं और दुनिया भर में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से सबको ईद मुबारक तो ये कि
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. वैसे तो कनाडा में अब तकरीबन ईद उल अज़हा का टाइम ख़त्म हो चुका है क्योंकि अब यहाँ पे काफ़ी रात हो गई है, लेकिन दिन में चूँकि मसरूफियत थी थोड़ी सी तो मैं चाह रही थी कि मैं भी थोड़ा सा कोई मैसेज रिकॉर्ड करूँ. वैसे तो इंडिविजुअली हमने लोगों को टेक्स्ट मैसेज कर दिए और कुछ मैसेज कर दिए, और पाकिस्तान में तो अब ईद स्टार्ट है तो इंशाल्लाह अब हम वहाँ पर फ़ोन करेंगे और कुछ लोगों से बातें भी करेंगे. जैसे नौशाद भी अपनी फैमिली वगैरह से बात करेगा, मैं भी करूँगी अपने घर वालों से, अम्मी से खासकर. लेकिन ये मैसेज हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इससे ओवरऑल दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारे मिलने जुलने वाले हैं, और सिर्फ मिलने जुलने वाले नहीं, हमारे तमाम मुसलमान बहन भाई जो हैं, तो उन सबको भी हम ईद की मुबारकबाद, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दे दें, इसलिए हम ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं. और दूसरी बात यह है कि ये ज़िलहज का महीना है, इसमें बहुत सारे लोगों ने हज, वैसे तो जैसे ओवरऑल पर लोग जाते हैं हज के लिए, वैसा तो नहीं था लेकिन वहाँ के सऊदी अरब के लोकल लोगों ने जो हज किया, तो हमारी तरफ से उन सब लोगों को हज बहुत बहुत मुबारक हो, और दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी इबादतों को, उनके हज को कबूल फरमाए. और इसके अलावा और जिन लोगों की भी ख्वाहिश है कि इन द फ्यूचर वो हज पर जाएं, और जिनको एक है कि वो जाने की ख्वाहिश, तो अल्लाह ताला उन सब की जो है वो ये मुराद जो है वो ज़रूर पूरी करे और अल्लाह ताला उन्हें वहाँ जाना नसीब करे, आमीन. तो एनीवे जहाँ कहीं पे भी लोग हैं, एक तो तमाम मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं, उन सबको हमारी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो, और उम्मीद है कि सब ने जो है वो सेफ्टी का ख्याल रखा होगा, और जहाँ भी ईद शुरू हो रही है वहाँ पे भी लोगों को ईद मुबारक हो, और सब जो है सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. और उम्मीद है कि जिनकी गुजर गई वो अच्छी गुजरी होगी, जिनकी अब स्टार्ट हो रही है उनकी भी इंशाल्लाह अच्छी से गुजरेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी ईद अच्छी गुजरी. मतलब ये कि सुबह नौशाद तो नमाज के लिए चले गए थे, वैसे तो दो मतलब ईद पे नहीं जाना हुआ था, लेकिन फिर हमारी कल इत्तेफाक की बात है, वैक्सीनेशन भी थी, सेकंड हमें कोविड की वैक्सीनेशन भी हमारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत समझे दर्द है लेकिन इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, और उम्मीद है कि आगे भी एक दो दिन वो बिल्कुल ही बेहतर होगा. तो बस ये कि एक फ्रेंड के यहाँ जाना था, तो बस थोड़ी सी याद सुस्ती थी तो उनके यहाँ दिन में हम जा नहीं सके, लेकिन नौशाद के भाई के यहाँ हम थोड़ी देर के लिए गए, उनकी मेरी जेठानी होती है, उनके पेरेंट्स हैं, तो मैंने कहा उनसे मिलना ज़रूरी है, तो उनसे मिलकर आए. फिर मेरी सिस्टर एज़ यूजुअल हमेशा मेरी बड़ी बहन जो है वो बुलाती हैं, वो ब्रैम्पटन में रहती हैं, तो ईद पे मेरा जाना नहीं हुआ था, तो कहीं थी नहीं बकरीद पे ज़रूर आना. और यहाँ चूँकि छुट्टी तो नहीं होती है, लोग रिलीजन छुट्टी ले लेते हैं, तो आज छुट्टी थी, कल वर्किंग डे था, तो जल्दी वाइंड अप करके सबको अपने अपने घर भी आना था, तो हम फिर शाम को उनकी तरफ गए थे, और अभी हम बस उनके घर से वापस आए हैं. तो हमने कहा कि बस हम आप लोगों को ये मैसेज रिकॉर्ड कर दें, तो बहुत अच्छा रहा उनकी तरफ से भी, उन्होंने भी बहुत एहतमाम किया था और बहुत अच्छा रहा. तो बस एनीवे मैं अपना मैसेज अब ख़त्म करती हूँ, हम भी काफ़ी थक गए हैं. सब लोगों को जहाँ जहाँ हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, इंडिया में, दुनिया में, और जहाँ कहीं भी हमारे रिलेटिव हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे दोस्त हैं, और जो लोग भी हैं, सबको हमारी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो. और दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जैसे ही हमें ये ईद नसीब करी, आगे भी अल्लाह ताला हमें ऐसी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ईद नसीब करे. तो सबके लिए ढेरों दुआएं और बहुत सारी बेस्ट विशेज़. हमें भी दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. तो इसके साथ ही जैसे आज ईद ख़त्म हुई तो ये वीडियो भी ख़त्म होती है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छी वीडियो के साथ मैं आऊँगा. और ये कि होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद होगी आएगी. तो एनीवे ये कि आज की वीडियो ईद मुबारक से ख़त्म करते हैं. आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक.